पॉलिटिकल पार्टियों को ठीक से मालूम है कि लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए धर्म का संकट पैदा किया जा रहा है, धार्मिक मतभेद का संकट पैदा किया जा रहा है। जनता का ध्रुवीकरण करो, जनता को भटकाओ, जनता के मुद्दे दूसरे कर दो ताकि वो आपसे मूल सवाल ना कर सके। हर गली चौराहे पर रोज एक एक दर्जन घटनाएं हो रही हैं लूटपाट की, उसे नहीं रोका जा रहा है। लोगों को बांटा जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये मंदिर है, वो मस्जिद है, वो गुरुद्वारा है। ये समस्या जो मैं बोल रहा हूँ ये ना मुस्लिम की है ना हिंदू की है, बल्कि हम सब की है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूँ क्या, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर साहब। आदाब आदाब। आज हम बात करेंगे दिल्ली में पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर कई सारे ऐसी सांप्रदायिक घटना हुई है जिसने दिल्ली का माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश की है। पिछले साल आपको याद होगा दिल्ली में NRCCA का जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, बहुत दंगे हुए थे, काफ़ी लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, आज भी लोग अपने घर पर बसे नहीं है ठीक तरह से। लेकिन पिछले एक महीने की घटना का अगर मैं जिक्र करूं, जिसमें कुछ घटनाएं तो एक ही जगह एक ही एरिया में हुई हैं, जैसे दिल्ली उत्तम नगर की अगर बात करूं, एक अकेला परिवार मुस्लिम का रहता है, मैंने वो खबर की थी, डिस्प्ले पर आप लोग देख सकते हैं, उसके घर पे हमला हो जाता है एक छोटी सी बात के ऊपर। एक भीड़ आती है, हमला करती है, तोड़फोड़ मचाती है। उसके बाद अभी 3 दिन पहले की एक घटना हो रही उत्तम नगर में, एक मस्जिद के बाहर हज़ारों की तादाद में भीड़ पहुंच गई, जिसे भी लेकर सामने जो एक बारात घर था उस पर पोस्टर लगा दिया और कहा कि ये मंदिर है, आप मस्जिद नहीं बनाओगे। रिंकू शर्मा का मामला आपको याद ही होगा, अभी 3 दिन पहले एक घटना हो रही सराय कालेखा में, एक मुस्लिम लड़की ने दलित लड़के से शादी कर लिया, फिर मुस्लिम परिवार के लड़के ने वहाँ जाकर उत्पात मचाया, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद आप दिल्ली से लगता हुआ डासना, वहाँ पर आप देख रहे होंगे पानी पिलाने के ऊपर कितना माहौल गर्म किया, वो स्वामी जो है APJ अब्दुल कलाम तक को देशद्रोही जिहादी बता रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर्स पर, पुलिस पर, और खासकर दिल्ली में जो सरकार चल रही है केजरीवाल के ऊपर। सर ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, कौन दिल्ली का माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है? देखिए दरअसल हम लोग नहीं समझ रहे हैं एक बात को जी, कि हम लोगों के अंदर मतभेद खड़ा किया जा रहा है, हम लोगों को बांटा जा रहा है ताकि हम मूल समस्याओं पर, मूल विषयों पर बात ना कर सकें। मैं आपको अपना दुश्मन समझूं, आप मुझे अपना दुश्मन समझें, और आप बेरोजगार हो, आपका भाई बेरोजगार है, आपके पास काम नहीं है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका धंधा नहीं चल रहा है, आपका सामान फैक्ट्री में बना पड़ा हुआ है, बाजार में वो बिक नहीं रहा है, आपकी बेटी की शादी थी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं इसलिए आपने उसकी तारीख को आगे बढ़ा दी कि जब पैसा हो जाएगा, जब तो वो ताकत बन जाएगी पैसे की, तब मैं उसे कर लूँगा, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ा और इकट्ठा कर लेते हैं। ये समस्या जो मैं बोल रहा हूँ ये ना मुस्लिम की है ना हिंदू की है, बल्कि हम सब की है। लोगों के घर का खाने का स्तर गिर गया है जी। मान लीजिए जो मीट 2 दिन खाता था सप्ताह के अंदर, वो महीने में 1 दिन बमुश्किल खा पा रहा है। जिसके यहाँ 2 सब्जी बनती थी, एक दाल एक कोई और सब्जी, अब कभी दाल या कभी सब्जी पे गुजारा हो रहा है। मनपसंद ढंग से वो घी अपनी रोटी में चपोड़ सकता था, आज वो घी का इस्तेमाल कम हो गया है क्योंकि आय कम हो गई है। आय कम हो गई है, कुछ लोगों के पास आय है ही नहीं, ये सत्ता को ठीक से मालूम है, सरकारों को ठीक से मालूम है, पॉलिटिकल पार्टियों को ठीक से मालूम है कि लोगों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए धर्म का संकट पैदा किया जा रहा है, धार्मिक मतभेद का संकट पैदा किया जा रहा है, और जानबूझ के किया जा रहा है। हमको लगता है कि धर्म हमारे खतरे में है तो हम उसके लिए लड़ें, हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा का व्यवस्था करो, हम सरकार से कहते हैं कि उसको रोको, वो मुझे मारने आ रहा है, वो चोरी कर रहा है, पुलिस की गश्त बढ़ाओ,
हाँ, उसको बंद करो क्योंकि उसने उसके ऊपर अत्याचार किया। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि लूटमार, चोरी चकारी, झपटमारी, घर पे डकैती, राह चलते मर्डर, घेर कर मारना, लूटना लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस परेशान है, ईमानदार पुलिस वाले परेशान हैं, वो इस सब चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं। चोरी उन्हें पता है कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, लेकिन उनके पास इतनी तरह के इतने ज़्यादा काम हैं कि वो कुछ काम को छोड़ देते हैं, कुछ काम को करते हैं, जो आदेश मिलता है उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मतलब हमारे लोग, हम जनता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप सोचिए, रजवाड़े जब इस इतिहास 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, 800 साल पहले विदेशी शासक यहाँ कैसे आए? यहाँ के रजवाड़े लड़ रहे थे आपस के अंदर, उन्होंने हमला किया, ये बिखरे हुए थे, उनको रोक नहीं पाए, धीरे धीरे करते हुए उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। इसी तरह से जब मुगलों का शासन अंत तरफ जा रहा था, उसमें मतभेद थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, उनकी ताकत कमजोर होती जा रही थी, छोटी रियासतें राजाओं की जो थी उनका साथ नहीं दे रही थी, अंग्रेज आए, अंग्रेज कंपनी के तौर पर आए और राजा के तौर पे, महाराजा के तौर पर यहाँ पर आकर बैठ गए। यहाँ की सब कुछ लूट पाट करके यहाँ की संपत्ति संपदा, सोने हीरे जवाहरात, $11 trillion यहाँ से ले गए वो 200 साल के अंदर सिर्फ। क्यों? क्योंकि हमारा समाज, हमारे रजवाड़े इसके लिए उनको रोकने के लिए तैयार नहीं थे। ये लोकतंत्र का दौर है। लोकतंत्र के दौर के अंदर जनता राज को तय करती है, इसलिए जो राज कर रहा है वो चाहता है कि जनता राज को तय करती है तो जनता में भी विभाजन करो, जनता का ध्रुवीकरण करो, जनता को भटकाओ, जनता के मुद्दे दूसरे कर दो ताकि वो आपसे मूल सवाल ना कर सके। आप देखिए ना, मोदी जी ने क्या कहा और केजरीवाल जी ने क्या कहा। केजरीवाल ने कहा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, केजरीवाल ने कहा हर रात को काम देंगे, मोदी ने कहा मैं 135 से 125 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा, सबका विकास सबका साथ। केजरीवाल ने कहा कि मैं लोकशाही लाऊंगा, लोक स्वराज जन स्वराज लाऊंगा। कहाँ है वो जन स्वराज, बताइए ना आप। जन स्वराज का मतलब केजरीवाल साहब की चुप्पी क्यों है दिल्ली के घटना, विजिट नहीं किया। वो सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो चाहते ये हैं कि ये डिवीजन जो है, यानी जिस जो डिवीजन को पैदा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई और जिसकी वजह सत्ता में बनी हुई है, केजरीवाल को लग रहा है कि वो उसी ध्रुवीकरण को मेंटेन अगर करेंगे तो हिंदू मत, मुसलमानों के खिलाफ वाला जो मत है वो उनके साथ रहेगा। अगर वो मुसलमान के फेवर में, मुसलमान के फेवर में बोलने को कोई नहीं कह रहा उनसे, हक के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। और हक की बात मुसलमानों के लिए भी की जानी चाहिए, हिंदुओं के लिए भी की जानी चाहिए, दलितों के लिए भी की जानी चाहिए, लेकिन केजरीवाल बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी वो इस तरह से कर रहे हैं कि जो कुछ घट रहा है समाज को बांटने के लिए, वो उसे ना रोक रहे हैं, ना समाज के अंदर जो जरूरत है जिसका उन्होंने वायदा किया था वो न जाने क्यों खैरात बांटने के चक्कर में ज्यादा बिजी है। आप देखिए ना, खैरात ज्यादा दिन तक नहीं चलती, उसका एहसान ज्यादा दिन तक नहीं चलता। 5 लाख लोग दिल्ली से कोरोना महामारी के वो जो जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन था उसके अंदर यहाँ से पलायन कर गए, उन्हीं को खाना खिलाया दिया ना इन्होंने, बिजली दिया,
हैं, मुफ्त में पानी दिया, वो गए ना। बिल्कुल। फिर तो आप राहत और खैरात बांट कर, एक तो ये कि आपने मिडिल क्लास को क्या समझ रखा है, दुधारू गाय, यानी हम मिडिल क्लास है, आप मिडिल क्लास है, क्योंकि हमारे खरीद फरोख्त के बाद, मतलब बाजार में जो कुछ है हम ज्यादा खरीद पाते हैं, एक दूसरी बात है, हम अगर नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा है तो हमारी सैलरी है, सैलरी से इनकम टैक्स कटता है, जीएसटी हम देते हैं, यात्रा करते हैं तो उसके ऊपर हम खर्च देते हैं। मिडिल क्लास, ज़्यादातर मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा कार इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रोल कौन खरीद रहा है, पेट्रोल की खपत कहाँ ज़्यादा हो रही है, टू व्हीलर वाला तो एक लीटर में दो दिन चला लेता है उसकी दूरी के हिसाब से, लेकिन कार वाला आना जाना कहीं करता है तो 500 रुपये तो उसको पेट्रोल में खर्च हो जाता है, उसके ऊपर जीएसटी वगैरह जो कुछ लग रहा है, जो कुछ सरकार को जा रहा है, आप देखिए ना, ये सारा पैसा हमसे इकट्ठा हो रहा है, मतलब जो टैक्स पे ही है उनसे इकट्ठा हो रहा है, वो पैसा इकट्ठा जो हो रहा है आप बांट रहे हैं अपने हिसाब से, पानी में बांट रहे हैं, बिजली में बांट रहे हैं, सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस कहाँ है दिल्ली की फिर ये सारी चीजें रोकने के लिए जो इतनी घटनाएं हो रही है? असली में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है पुलिस, तो उसको भी तो दिखाई दे रहा होगा अभी, उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, सारे अधिकार अपने साथ रखना चाहती है लेकिन जनता का भला करना नहीं चाहती। मैं कहता हूं गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और अमित शाह अगर सीधा निर्देश दे दें तो एक हफ्ते के अंदर दिल्ली के सारे क्राइम रुक जाएंगे, सारे क्राइम रुक जाएंगे, लूटपाट बंद हो जाएगी। लेकिन लूटपाट अगर बंद हो जाएगी तो जो बंधा हुआ है सबका सिस्टम के अंदर पैसे आने जाने का रास्ता, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा बहुत साफ मानना है चोरों को गैंग से पुलिस का सीधा रिश्ता है, और पुलिस का सीधा रिश्ता होम मिनिस्ट्री से है, और होम मिनिस्ट्री के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, मतलब हर गली चौराहे पर रोज एक एक दर्जन घटनाएं हो रही हैं लूटपाट की, उसे नहीं रोका जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ये मंदिर है, वो मस्जिद है, वो गुरुद्वारा है, है वो बौद्ध मठ है, तुम अलग हो, वो बढ़ जाएगा, अरे कहाँ बढ़ जाएगा, हिंदू राज अब है ही पूरा, बताइए ना दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है, हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, हिंदू है, राष्ट्रपति कौन है, हिंदू है, गृह मंत्री कौन है, जैन है, सेनाओं का सेनापति, मुख्य न्यायाधीश, मतलब जितने भी की पोस्ट है इस देश को चलाने वाले किसके हाथ में है, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब कुछ हिंदुओं के हाथ में, हिंदू नाम वाले लोगों के हाथ में, और फिर हिंदुओं को असुरक्षित घोषित करवा रहे हो तुम, मक्कार है ये लोग, मक्कारी कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, मक्कारी कर रहे हैं हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, बेरोजगारी सिर्फ मुसलमानों में नहीं है जी, समझ लीजिए बेरोजगारी हिंदुओं में है, सिखों में है, जैनियों में है, बौद्धों में है, दलितों में है, सब में है, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि हम तो मुसलमानों को दबा रहे हैं, मुसलमानों को दबा रहे हैं, दबाने से कुछ नहीं होता, आप देश का सत्यानाश कर रहे हो, हिंदुओं का सत्यानाश कर रहे हो, इस भारतवर्ष का सत्यानाश कर रहे हो, देश को आप बेच रहे हो, देश की जो बड़ी आय वाली कंपनियां हैं जिसे मेहनत से बनाया गया आप उसे बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, उसे रोकने के लिए जनता उठ खड़ी ना हो, इसलिए आप जनता में विभाजन कर रहे हो, ये विभाजन को आप रोकिए, जनता रोकेगी, और मुझे किसानों से उम्मीद बनी है, इनमें सब तरह के लोग हैं, वो दिल्ली को घेर रहे हैं, किसान जीतेगा, आप उनका साथ दीजिए तो ये देश बदलेगा। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हिंदवाइज का शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया हबीब सर, आपने पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ बता दिया है कि
क्यों ये सब हो रहा और क्यों रोकना नहीं चाहते। अगर रोक देंगे तो फिर इनका धंधा बंद हो जाएगा, जनता जाग जाएगी और हिंदुओं को बेवकूफ़ पूरी तरह से बनाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जा रहा है जो हिंदू राष्ट्र चिल्लाते चिल्लाते हैं और हिंदुओं का ध्रुवीकरण करते हैं, उन्हें भड़काते हैं दूसरे समुदाय के खिलाफ। मुसलमानों का भी कर रहे हैं, जी माफ करना, जी मुसलमानों का भी कर रहे हैं ध्रुवीकरण, लेकिन उससे हासिल क्या हो रहा है? ना मुसलमानों को कुछ मिल रहा है, ना हिंदुओं को मिल रहा है, सिर्फ हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से किया जा रहा है। जी तो ये पूरी रिपोर्ट थी आपके सामने रखी कि दिल्ली में आए दिन ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जो रोकने में सिस्टम जो है नाकाम साबित हो रहा है एक तरह से। आप लोग क्या कहना, नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी और एपिसोड में मुलाकात कराते हैं आपके अभी सर से।